लॉन्च हो रहा है 89 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज देने वाला होंडा का नया स्टाइलिश स्कूटर। जी हाँ मेरे भाई, होंडा आने वाले बेहद ही कम समय में देश के युवाओं के लिए अपने नए स्कूटर वारियो 160 को लॉन्च करने वाली है। होंडा वारियो 160 स्कूटर स्टाइल के मामले में आपको एक ही नजर में दीवाना बना देगा, ये तो पक्का है। हाल ही के दिनों में होंडा वारियो 160 को टेस्टिंग के वक्त देखा गया था। स्कूटर देखने में काफी मजेदार है। अगर आप भी अपने लिए एक चमचमाते स्टाइलिश स्कूटर लेने की फिराक में हैं, तो एक बार जरूर जान लीजिए अपकमिंग होंडा वारियो 160 स्कूटर के बारे में। साथ ही हमारे YouTube चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय बाजार में होंडा के सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्कूटर्स हैं, उनमें से एक है होंडा एक्टिवा। और अब होंडा फिर से एक और स्टाइलिश स्कूटर होंडा वारियो 160 को लॉन्च करने वाला है। होंडा वारियो 160 स्कूटर लुक्स के मामले में काफी जबरदस्त होने वाला है। अपकमिंग होंडा वारियो 160 स्कूटर में मिलने वाले इंजन की अगर हम बात करें, तो इस स्कूटर में कंपनी 160cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 इंजन देने वाली है, जो कि 15 BHP की पावर और 13.4 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। बात करें होंडा वारियो 160 स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स लिस्ट की, तो इस स्कूटर में आपको होंडा से भी बेहतर फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ USB चार्जर और डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। इस डिस्प्ले पर मीटर, फ्यूल लेवल और औसतन फ्यूल खपत की पूरी डिटेल्स मिलती है। इसके साथ ही स्कूटर में 18 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। अपकमिंग होंडा वारियो 160 स्कूटर में 14 इंच के अलॉय व्हील इस स्कूटर में देखने को मिलते हैं। वहीं बेहतरीन हेडलिक के लिए इसमें कई सारे शानदार फीचर्स दिए जाने वाले हैं। वहीं सेफ्टी के तौर पर होंडा वारियो 160 स्कूटर में डुअल चैनल ABS दिया जाएगा, जो कि अपने आप में काफी खास है। लॉन्चिंग की बात करें तो अपकमिंग होंडा वारियो 160 स्कूटर के लॉन्च डेट के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तब भी बता दें कि कंपनी होंडा वारियो 160 स्कूटर को इस दिवाली के पावन अवसर पर पेश कर सकती है, यानी कि साल के अंत तक होंडा का ये स्कूटर भारतीय सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आने वाला है। मुकाबले की अगर हम बात करें, तो होंडा वारियो 160 स्कूटर का भारतीय बाजार में कड़ा मुकाबला यामाहा एरोक्स 155 स्कूटर से होगा। कीमत की बात करें तो अपकमिंग होंडा वारियो 160 स्कूटर को कंपनी 1,10,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है। अब आप हमें बताइए, क्या आप भी अपकमिंग होंडा वारियो 160 स्कूटर के लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।